ब्लास्टुलेशन पड़ा था, ब्लास्टुला तैयार हुआ था इस ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद या इम्प्लांटेशन कंप्लीट होते होते ही गैस्टुलेशन शुरू हो जाता है, मीन्स द कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला इनटू गैस्टुला, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्टुलेशन। समझे, ब्लास्टुला का कन्वर्शन गैस्टुला में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्टुलेशन, और एंडिंग में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको बोलते हैं गैस्टुला। अभी इसके बाद वो ब्लास्टुला से कोई मतलब नहीं। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ गैस्टुला, हाउ इट फॉर्म्स। तो देखिए कि हम लोग जब गैस्टुला तैयार होगा तो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर याद करेंगे कि ब्लास्टुला में जो हमारा इनर मास था, इनर मास में जो नीचे के सेल्स थे फ्री एंड, ये फ्री एंड वाले जो सेल्स थे इनमें डिवीजन शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में डिवीजन शुरू होते होते नए सेल तैयार होते हैं और वो नीचे की साइड में, मतलब अंदर की साइड में क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। जब नए सेल्स तैयार होंगे तो ऐसे नीचे की साइड में, मीन्स ब्लास्टोसील में क्या हो गए, नीचे की साइड में कन्वर्ट होंगे एंड फॉर्म द कंप्लीट लेयर, इट एनक्लोज द ब्लास्टोसील। इन्होंने क्या किया, ये सेल्स ने लेयर बनाते वक्त ब्लास्टोसील की थोड़ी सी जगह बंद कर दी, राइट। और इस तरह से ये जो सेल तैयार हो जाती उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडो मीन्स अंदर वाली, डर्म मीन्स लेयर। तो इस तरह से एंडोडर्म भी, एंडोडर्म एनक्लोज द स्मॉल स्पेस ऑफ ब्लास्टोसील, दैट इज कॉल्ड योक सैक। बाद में आपको पूरा डायग्राम दिखाएंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, बता चले समझे, मैकेनिज्म समझ लो। इस तरह से एंडोडर्म ने ब्लास्टोसील की जो कैविटी थोड़ी सी बंद कर दी उसको बोलेंगे योक सैक। फिर उसके ऊपर वाले, ऊपर वाले जो सेल्स है इनर मास के, किसके ऊपर वाले, हाँ एंडोडर्म के ऊपर वाले, एंडोडर्म जिससे बनी वो सबसे नीचे वाले सेल्स है, उन सेल्स को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, हाइपो मतलब बिलो, एंड उसके ऊपर वाले मीन्स एपिब्लास्ट, मतलब इनर मास के एंडोडर्म के ऊपर वाले सेल्स को बोलेंगे एपिब्लास्ट। दिस बिकम फ्लैटेड एंड कॉलमनर एंड फॉर्म द सच लेयर, यस दिस इज द एपिब्लास्ट, इट इज एम्ब्रियोनल डिस्क। ये डिस्क जो एंडोडर्म के पास में ऊपर में होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। और डिवीजन ऑफ दिस सेल्स एंड कंटिन्यू ऑन अपर साइड, ऊपर के साइड में ये क्या होते हैं, मुड़ते हैं, नए जो सेल्स तो होते हैं ऊपर के साइड में जाते हैं एंड फॉर्म द कंप्लीट लेयर। दिस कंप्लीट लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स बाहर वाली, इट ऑल्सो एनक्लोज स्पेस, इसमें भी छोटी सी स्पेस बंद हो जाती है और इस स्पेस को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इधर आप लोगों को बात में, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, राइट। तो इसमें ये जो खड़े खड़े सेल्स दिख रहे, देखो यहाँ पे एक एंडोडर्म को चिपक के वो हो गया एम्ब्रियोनिक डिस्क, मतलब इससे फिर आगे वाला एम्ब्रियो का पार्ट बनेगा जो एक्टोडर्म से बनने वाला है। और ऊपर पे ऐसे खड़े खड़े सेल्स नहीं दिख रहे, ये लेयर में ही ऊपर वाले, दोज आर प्रोटेक्टिव मीन्स एम्नियोटिक सेल्स, इनको बोलेंगे एम्नियोटिक सेल्स। और इस पूरी लेयर के अंदर जो कैविटी खाली जगह उसको बोलेंगे एम्नियोटिक कैविटी। इस एम्नियोटिक कैविटी में एक फ्लूड सिक्रेट होता है, कौन सा, ये ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं एम्नियोटिक सेल्स वो फ्लूड सिक्रेट करता है, वो फ्लूड इस कैविटी में आता है और इसलिए वो कैविटी में क्या होता है, एम्नियॉन, एम्नियॉन इज द फ्लूड विच इज सिक्रेटेड बाय एम्नियोटिक सेल्स ऑफ एक्टोडर्म, ओके। इस तरह ये एम्नियॉन हो गया, तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों तैयार हो गए। द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द इनर मास, अभी हम लोगों को ये सेक्शन में दिखाया है करके दिखते नहीं, इनके पीछे आगे जो एपिब्लास्ट थे, एपिब्लास्ट एंडोडर्म के ऊपर वाले जो सेल्स थे कुछ क्या बनाते हैं एक्टोडर्म, बचे हुए जो सेल्स थे दे ऑल्सो स्टार्ट टू डिवाइड एंड फॉर्म द न्यू सेल्स, बट
these are loosely arranged, means ये एक दूसरों को चिपक के नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो लेयर बनाते हैं। हम लोग देखो कभी हाथ पकड़ते अगर बॉल बनाए, लेकिन कभी कभी बॉल बनाए लेकिन बिना हाथ पकड़ते, मतलब लेकिन बॉल शेप तो बनाए, मतलब लेयर दिखेगी लेकिन हाथ चिपके हुए नहीं, मीन्स लूजली अरेंज है, एक दूसरे को चिपक के नहीं है। उस तरह से रिमेनिंग एपिब्लास्ट सेल ऑल्सो स्टार्ट टू डिवाइड साइमल्टेनियसली, ये साथ साथ होता है, शुरू भला एक्टोडर्म एंडोडर्म से होगा, बाद में एक्टोडर्म क्यों होगी, बाद में मेसोडर्म, लेकिन एंड होते होते साइमल्टेनियसली द रिमेनिंग सेल्स फॉर्म द सेल्स एंड दे अरेंज अलोंग द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के साइड साइड से कुछ अरेंज हो गए एंड सम आर अरेंज द साइड ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इस तरह से देखो दो लेयर्स का अरेंज। अभी ये डायग्राम देखो ग्लास्टुला की, इसमें पूरा क्लियर दिखेगा। ये सफेद जो सेल दिख रहे हैं थोड़े थोड़े लंबे लंबे दिख रहे, ये हो गई एक्टोडर्म, ये पिंक कलर की हो गई एंडोडर्म, व्हाइट कलर की हो गई एक्टोडर्म, और उसके आजू बाजू में जो सेल्स दिखाए हैं ये जगह छोड़ देना, थोड़ा डायग्राम में गलती हो गई यहाँ पे, लेकिन ये देखो ये किनारे किनारे सेल्स दिख रहे हैं और ये साइड साइड से सेल दिख रहे हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साइड साइड से। फिर से देखो ये और ये, इस तरह से ये बीच वाली लेयर समझी जाती है, इसको बोलते हैं मेसोडर्म, अंदर वाली बाहर वाली और बीच वाली। तो मेसोडर्म में दो लेयर दिखते हैं, दो ग्रू दिखते हैं, वो ग्रू क्यों, ये सीधी एकदम गोल नहीं है, ये कैसे है ऐसे, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये अंदर वाला ग्रू नियर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड दिस अलोंग और नियर ट्रोफोब्लास्ट, इन दिस वे दिस थ्री डर्म फॉर्म, दिस थ्री डर्म्स फॉर्म completely, then the structure is called gastrula. In same way the trophoblast, it also divide under the formation of two layers, outer bahar ki, dekho ye chote chote neele cells dikh rahe hain yahan pe, ye neele cells dikh rahe hain, ye loosely arranged cells, but this layer is also formed in outer and इनर, कुछ सेल्स पास में दिख रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट के, दिख रहे हैं कुछ लेयर्स ट्रोफोब्लास्ट के बाहर, लेकिन पास में अंदर नहीं, अंदर वाली में जोड़ो बाहर के साइड में, दिस इज द पोरियल, ये पूरा जो ये पिंक कलर में ऐसा आड़ा तेरा दिखाया है ट्रोफोब्लास्ट के बाहर में, वो सेल्स जो है, ये तो ब्लू कलर की जो है वो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के बाहर में वो पूरे पार्ट को बोलते हैं कोरियल, और ये कोरियल में दो लेयर्स होते हैं, बाहर वाला अंदर वाला, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि चार मार्क के लिए अपना क्वेश्चन आता है, चार मार्क के लिए ये तीनों स्ट्रक्चर, मतलब तीन डर्म्स और थोड़ा सा बाहर जनरल बताए, ये चार मार्क के लिए चार पॉइंट कंप्लीट हो गए, तो इतना ही लिखना है, मतलब इन जनरल या फिर फॉर्मर फॉर्मर डिटेल मैकेनिज्म डिटेल स्ट्रक्चर लिखना है, कुछ टर्म्स आएंगे आपको एग्जाम में, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ गैस्ट्रुला के स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं, उस समय ये तीन डर्म्स कैसे तैयार होते हैं, थोड़े मतलब ज्यादा डिटेल नहीं वो लिखे, इतने में हमारा चार मार्क का आंसर कंप्लीट होता है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करके हम लोग यहाँ रुकते हैं। दूसरे जो डिटेल क्वेश्चन में अलग अलग जो टर्म्स आएंगे उसका मैकेनिज्म समझने के लिए, तो उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, थैंक यू।